अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? डोंट बी सिली. व्हाई इज इट सो इम्पॉसिबल? आई होप टू गॉड तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा. यू ब्लडी. अभी तक सो रही हो? लेजी बोन्स. कल रात तुम्हें घर छोड़ने के बाद मैंने 2 घंटे स्टडी की और आज सुबह 2 मील जॉगिंग भी कर चुका हूँ. मुबारक हो. अच्छा ये बताओ आज का प्रोग्राम क्या है? पहले नाश्ता और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फिर. अब मुझे कॉम्प्लेक्स मत दो. हाँ ये बताओ कि हम आज मिल रहे हैं या नहीं? नो स्वीटहार्ट, आज मैं कॉलेज भी नहीं जा सकता. मुझे अपने स्कॉलरशिप के सिलसिले में डैडी के साथ यूके कॉन्सुलेट जाना है. डैडी का कहना है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में दाखिला मिलना ही काफी नहीं, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है. इसलिए आज से आवारा करती बंद. सुबह पढ़ाई करूंगा, शाम को हेल्थ क्लब. कभी वो तुम्हारा घर है या घोड़े का अस्तबल? देखो ना, वो रोज तुम्हें नाश्ते में दलिया खिलाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं और बात बात पे कपूर खानदान की पेडिग्री जताते हैं. मुझे तो यकीन है
कि वो रोज सुबह तुम्हारे मुंह में हाथ डालकर दांत भी गिनते होंगे। ओ शर आप, मुंह ठीक हो जाए तो फोन करना। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। हाय डैड। कहो भाई, रोमांस कैसे चल रहा है? फिलहाल एक टांग पे। मैं हेल्थ पे ध्यान देता हूँ और वो वेल्थ पे। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटे, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ करके दिखाओ। पैसा तो स्मगलर्स और ब्लैक मार्केटर्स के पास भी होता है। She is perfectly right. Dad, बबल्स ठीक कहती है। आप सचमुच मुझे घोड़ा समझते हैं। जाओ बेटे, जिंदगी की रेस में फर्स्ट आना। बाय मम। बाय। याद है ना, आज टाटा थिएटर में नया प्ले है। आपका कुर्ता पायजामा शाल में तैयार रखूंगी, जल्दी आ जाइए। ठीक है। बाय। कल रात शीला ने रमी में फिर से चीटिंग की। अब हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। सुना आपने, फ्लैश में तो सभी लोग ब्लफ करते हैं थोड़ा बहुत। मैं भी करती हूँ। परसों मैं दो जैक्स पे जीती थी, लेकिन रमी में चीटिंग करना सरासर बेईमानी है। हाय डार्लिंग। बाय। तुम आज कॉलेज नहीं गए बेटा? पापा, मैं कॉलेज से बोर हो गई हूँ। आज सोचती हूँ मैं बंक करूंगी। बंक तो तुम रोज ही करती हो। ये कहो कि तुम इस बंकिंग से भी बोर हो चुकी हो। आज मैं भी क्लब नहीं जाऊंगी। शीला की बच्ची हारती है 40 पॉइंट्स और बताती है 20। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पैसे नहीं मिलेंगे। पापा, मुझे 25,000 रुपए चाहिए। और पिछले हफ्ते जो 10,000 रुपए दिए थे उनका क्या हुआ? मेरे भी तो कोई खर्चे होते हैं पापा। आज मुझे एक पाते फिलिप की घड़ी लेनी है। एक स्मगलर है जू में जो सस्ते में बेच रहा है पापा। आंड्रे के लिए है? तब तो इन्वेस्टमेंट समझिए ना। अरे, कल तो इसके दहेज में देना ही पड़ेगा, आज दे दीजिए ना। ठीक है, शोरूम आकर ले जाना। थैंक यू पापा। क्या बात है बेटे? आज तुम्हारा रिजल्ट निकलने वाला था। डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ। शाबाश बेटे, शाबाश। डैड, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। क्यों? एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन में कुछ दोस्तों ने मेरा नाम लिखवा दिया। अब मैं क्या करूं? नाचो, खूब नाचो, लेकिन पहले अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो। डैड, फर्स्ट प्राइज ₹10,000 है। सभी कहते हैं कि समझो इनाम मेरे जेब में आ गया। अच्छा, लेकिन डैड, मेरे पास कोई अच्छा कॉस्ट्यूम नहीं है। Give me 500 bucks, please. Okay. मैनेजर साहब, आपको साहब ने बुलाया है। आता हूँ। देखो बेटा, गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब होकर अमीरों के शौक पालना बहुत बुरी बात है। मैं अभी आया। मुझे वो रिंग दिखाना। असली है। सुनिए, यहाँ कैश चलता है। कमाल करती हैं आप। माना कि आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपका चेहरा कोई अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड तो नहीं। शट अप। डू यू नो हु आई एम? हु आर यू? बबल सतवाल। ओह, आई एम सॉरी। अरे बबल, तुम आ गई बेटा। डैडी, ये बदतमीज कौन है? ये मुझसे पैसे मांग रहा था, मुझसे। ये मेरा बेटा है। I'm sorry Miss Satwal, I didn't know. Never mind son, it's okay. श्याम जी, पिछले 15 साल से आप इस शोरूम के मैनेजर हैं। लगता है कि आपके खानदान का एक और ईमानदार और वफादार चिराग इस शोरूम को रोशन करेगा। Thank you.
रखा है, खाया ढोकला ताजा ताजा। मैंने पिताजी से कॉस्ट्यूम के लिए 500 रुपए लिए थे, ये सोचकर कि मैं 10,000 का इनाम जीत जाऊंगा, लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरी किस्मत ही खराब है। ओह कम ऑन किड, इतनी खराब तो नहीं है। पिताजी चाहते थे कि मैं अपना MBA करूं, सो कर ली। अब किसे पता है मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर ये 10,000 रुपए मुझे मिल जाते तो नौकरी मिलने तक तो गुजारा हो जाता। अब किस मुंह से मैं पिताजी से पैसे मांगू। पिताजी से क्यों मांगते हो, मुझसे ले लो। नहीं मोना, थैंक्स। हरीश, वक्त पर सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। हरीश, सपने और है क्या मेरे पास सपनों के सिवा। सुना है तुम्हारी लड़की का कपूर के लड़के के साथ काफी मिलना जुलना है। देखा सुना तो मैंने भी है, लेकिन जब तक बात पक्की नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं कहना चाहती। यू मीन बात शादी तक पहुंचेगी। ऑनरे तो बबल्स पर जान छिड़कता है, बबल्स ने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया। और फिर मिस्टर कपूर ऑनरे को हायर स्टडीज के लिए UK भेज रहे हैं, जब वहाँ से लौटेगा बात चला लूंगी। तुम्हारी बबल्स तो बहुत तकदीर वाली है, देखना एक दिन आंद्रे भी अपने बाप दादा की तरह बहुत बड़ा सर्जन बनेगा। वाह भाई वाह, ये तो मुंह मीठा करने वाली बात है। लो लो तुम भी खाओ। रहने दो, जिनका जायका बिगड़ जाएगा। वैसे भी तो क्लब में कैंपा कोला डाल के पीती हो। चुप रहो, तुम तो पोल खोल रही हो। खाओ ना। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये कपूर क्या चाहते हैं? मैंने तो ये सुना है कि मिसेस कपूर को आंध्रे और बबल्स का मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या अपने आप को समझती है, लड़के को भले ही लंदन भेज रही है लेकिन अपने पैसों से नहीं, स्कॉलरशिप पर जा रहा है। जो भी है, मैं तो कहती हूँ लड़की का मामला है, जरा संभल के ही रहना चाहिए, कहीं इज्जत न चली जाए। डोंट बी सिली, ये 1987 है, 1947 नहीं, ये इंडिया है, न्यूयॉर्क नहीं। बबल्स डार्लिंग। मामा, आई एम प्रेग्नेंट। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये भी क्या बताना पड़ेगा? कितने हफ्ते हुए? 6। तुमने आंद्रे से बात की? तो कर लो, शायद वो जल्दी शादी करने के लिए राजी हो जाए। आखिर वो होने वाले बच्चे का बाप है। याद है उस रात हम यहीं आए थे और तुमने कहा था कुछ नहीं होगा। Oh God, Bubbles, you mean
हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। जल्द से जल्द? लेकिन तुम यूके जा रहे हो। तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। वाह, अंड्रे कहाँ है? सुबह सुबह वो लड़की आई थी। आंद्रे अच्छा भला पढ़ रहा था, लेकिन वो लड़की उसे घसीट के ले गई। तुम्हें बबल से इतनी नफरत क्यों है? उसका बैकग्राउंड क्या है? सतवाल के पास सिर्फ पैसा है, वो भी दो नंबर का। हो सकता है ये एक पासिंग अफेयर हो। मेरा ख्याल है आंद्रे यूके पहुंचते ही बबल्स को भूल जाएगा। सतवाल जैसे नीच लोग दौलत कमाने के बाद कोई इज्जतदार खानदान ढूंढते हैं अपने लड़की को थोपने के लिए। अपने बेटे को उस लड़की की चुंगल से बचाओ, वरना देखते ही देखते वो जवेरी बाजार में किसी दुकान के काउंटर के पीछे खड़ा नजर आएगा। लेकिन हमें आंद्रे को तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अगर उस पर ज्यादा सख्ती की तो वो अड़ जाएगा। हाय डैड। हाय मैम। हाय डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो बेटा। मम प्लीज। ओके डैड, आप तो जानते हैं मैं और बबल्स एक दूसरे को चाहते हैं। ऑफ कोर्स डैड, बबल्स मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ओह आई सी, इसलिए हमारी शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटे, मैं खुश हूं कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले अब खुद ही करने लगे हो। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल करा दूं? लेकिन बबल्स मेरे साथ जा सकती है। बेटे, इसे मैं या तो पी सकता हूं या रख सकता हूं, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन बबल्स लंदन क्यों नहीं जा सकती? शौक से जा सकती है, लेकिन अगर तुमने शादी कर, जाहिर है कि बॉयज हॉस्टल में नहीं रह सकोगे। एक अपार्टमेंट लेना पड़ेगा जो कैंपस से दूर होगा, और इससे तुम्हारी पढ़ाई पर गहरा असर पड़ सकता है। इतनी दूर जाकर अपनी पढ़ाई का सत्यानाश करने से क्या फायदा? बेहतर यही है कि तुम शादी करके यहीं बस जाओ। लंदन में जाऊं ये कैसे हो सकता है? बेटे, सोच समझ कर फैसला करना। इसी एक फैसले से तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। इस स्कॉलरशिप के लिए तुम्हें लाखों में से चुना गया है, अब अगर तुमने इसे ठोकर मार दी तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। मैं बबल से बात करता हूं। शी इज अ सेंसिबल गर्ल। देखा किस हद तक वो जा पहुंची आंद्रे को फंसाने में। आपको लगता है वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगी? इसीलिए तो पूरा बंदोबस्त कर रहा हूं। ऑपरेटर, लेट मी कॉल फॉर लंदन प्लीज। हाय डैड। बेटा, ये तुम्हारा टेलीग्राम आया है। तार? कैसा तार? योर स्कॉलरशिप अप्रूव्ड, कम इमीडिएटली, रिपोर्ट एट द लेटेस्ट बाय सितंबर 15th। ओह डैड, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। मम, मुझे जल्द से जल्द तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ ही हफ्तों में वहां सर्दी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे पुराने गर्म कपड़े काफी नहीं है, चलो बाजार से कुछ नए खरीद लाते हैं। के बाद लौटेगा, जी भर के इसे देख लो सुलोचना। चलो जाने से पहले एक फेयरवेल पार्टी करते हैं। जी वाह, पार्टी एक नहीं बल्कि पार्टियां 3 करेंगे। एक मेरे दोस्तों के लिए, एक इसके दोस्तों के लिए, एक हम तीनों के लिए। बेटे, तुमने बबल से बात की? नहीं मॉम, कल घर गया था, मिली नहीं, मौका ही नहीं मिला, आज जाऊंगा। लेकिन बेटे, वो 4 साल तक इंतजार करेगी, उसके पैरों में तो पहिए लगे हुए हैं, और तुम्हारे लिए वहाँ लड़कियों की क्या कमी? मॉम, मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, और फिर बबल्स मेरा इंतजार क्यों नहीं करेगी? वी लव ईच अदर मॉम। ऑफ कोर्स, लेकिन बेटा तू इसे ठीक तरह से समझाना। जी हाँ,
अब जाहिर है उसे अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। क्या अबॉर्शन? किसका? बबल्स का? बबल जैसी होशियार लड़की और प्रेग्नेंट? बेटा ये लड़कियों का बहुत पुराना पैतरा है। कम ऑन मॉम, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तो तुम जा रहे हो 4 साल के लिए? तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? हाँ जरूर आऊंगी, ये देखने के लिए कि कहीं तुम उन इंग्लिश लड़कियों के साथ गुलछर्रे तो नहीं उड़ा रहे। अबॉर्शन करवा लोगी ना? करवाना ही पड़ेगा। ऑन्ड्रे का इस तरह अचानक चले जाना अजीब नहीं है? आज फेयरवेल पार्टी है, अब क्लिनिक का काम उसके जाने के बाद ही हो सकेगा। उसे अपनी जिम्मेदारी खुद निपटा के जाना चाहिए था। वो तो खुद इतनी जल्दी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन ये अचानक टेलीग्राम जो आ गया। इनसे ये है मिसेस आनंद, हाल ही में ह्यूस्टन से आई है। मिस्टर आनंद स्लोन कैटरिंग के कैंसर रिसर्च डिपार्टमेंट में हैं। मिसेस कृष्णमाचारी, मिस्टर कृष्णमाचारी PCM के जनरल मैनेजर हैं। मिस्टर एंड मिसेस सतवाल और उनकी बेटी बबल्स आंध्र के कॉलेज में पढ़ती है। मिसेस कपूर शायद ये बताना भूल गई हैं कि आंध्रे मेरे मंगेतर हैं। Oh yes, UK से लौटने के बाद हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। बनेंगे कल गवर्नर, देसी बन के आएंगे
चंपा कली हाथ में थी, राम कली पे नजर थी, मालन राम कली ये समझी है वो भी अनारकली अनारकली। घर की चौखट से बाहर बरसों खड़े थे बेचारे। मिसेस सतवाल प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज पर है, करीब 10 हफ्ते हो चुके हैं। 10 हफ्ते? और इसके अलावा आपकी बेटी बहुत एनीमिक, दिस कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स। पर मुझे तो अच्छी वाली नजर आती है। आजकल के लड़कियों के गालों की लाली खुराक से नहीं कॉस्मेटिक्स से आती है। अगर आपने ऑपरेशन करवाया तो बबल्स की जान को खतरा हो सकता है। क्या हुआ? मैं आपके प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, लेकिन बबल्स को भी ख्याल करना चाहिए था। खैर, अब बात हम पे आई है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं आज ही आंद्रे के डैडी से बात करती हूँ। आप आंद्रे को भी फौरन खबर करिए, यूके जाने का सारा खर्च हम उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो एक पूरा प्लेन चार्टर करेंगे। जी तो फिर मैं चलती हूँ, कल फिर मिलने आऊंगी। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैं खुद आपको फोन कर लूंगी। अच्छा जी। हेलो हेलो, यस कॉल टू लंदन, आंद्रे कपूर। यस मैडम, आई एम होल्डिंग। हेलो आंद्रे। डैड, मैंने तो सोचा था आंखें सिर्फ काली या नीली होती हैं, यहाँ तो ब्राउन, ग्रे, ऑरेंज, मरून और बाल लाल, पीले और न जाने क्या क्या। मैं तो कलर ब्लाइंड हो जाऊंगा डैड। इट्स फैंटास्टिक, पीपल ऑल हियर आर वंडरफुल। और मैंने यहाँ 4 दिनों में वहाँ के कॉलेज के 4 सालों से ज्यादा दोस्त बना लिए हैं। और टीवी 4 चैनल्स, अनसेंसर्ड मूवीज, इट्स फैसिनेटिंग डैड। लेकिन बेटा यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या क्या बात है? लगता है बबल्स को ये डर है कि वो तुम्हें कहीं खो ना दे। उसका कसूर नहीं है, मेरा ख्याल में उसके माँ बाप उस पर दबाव डाल रहे हैं। कल उसकी मम्मी आई थी एक मनगढ़ंत कहानी लेकर, कह रही थी डॉक्टर कहता है कि अबॉर्शन नहीं हो सकता है। वो ये भूल गई कि मैं खुद एक सर्जन हूँ, हजाम नहीं। खैर सतवाल, तुम दोनों की शादी करने पर तुले हुए हैं और बबल्स बेचारी कठपुतली बनी हुई है। आई स्वेयर डैड, मुझे नहीं मालूम था बबल्स इतनी बेवकूफ लड़की है। डैड, आप उसके सर में कुछ अकल डालिए ना। हाँ बेटा, यू डोंट वरी। ओके बाय। क्या कहा उसने बबल्स के बारे में? कुछ नहीं, वो अब किसी और से प्यार करने लगा है। किससे? लंदन से। सुना है मिसेस लूथरा अपने ड्राइवर के साथ भाग गई। रियली? कमाल है, 2 बच्चों की माँ थी, उनका तो ख्याल किया होता। उसे शॉपिंग में फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। तुम कल मिसेस कपूर की पार्टी में क्यों नहीं आई? सुलोचना की यहाँ पार्टी थी। हाँ, दिन तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि मिसेस कपूर बबल्स को अपनी बहू कभी नहीं बनाएगी। कैसी बात कर रही हो, सुलोचना मेरी सहेली है, ये तुम समझ रही हो, लेकिन वो अपने आप को तुमसे ज्यादा कहीं ऊंचा समझती है। इसीलिए तो बबल्स आज शादी के बाजार में ऐसी खड़ी है जैसे कोई गांव की लड़की, वरना तुम आज कपूर खानदान के सामने क्यों झुक रही हो? तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
हेलो सुलोचना, मैं मीरा बोल रही हूँ। मीरा सतवाल? ओह यस, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? बस चल रहा है। आपने कहा था आप फोन करेंगी, बहुत दिन हो गए और आपको तो मालूम है मामला कितना नाजुक है। आई एम सॉरी, मैं दलजीत से बात करना ही भूल गई। सुलोचना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आज तो मुमकिन नहीं, आज हमारी राजवंश हाउस में दावत है। आप तो राजवंश को जानती होगी? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती। आप बताएंगे कि आप कब मिल सकती हैं? अरे आप मिस्टर राजवंश को नहीं जानती? हाँ, वो तो खानदानी लोग हैं ना। सुलोचना, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आप कब मिलेंगी मुझसे? मैं तो दलजीत से पूछ कर ही बता सकती हूँ। आप तो जानती हैं वो कितने बिजी हैं। वो दुकानदार तो है नहीं कि जब चाहे दुकान छोड़ के आ जाए। मुमकिन है दो चार हफ्ते लग जाए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जरूर मिलेंगे। बाय। Oh my God. मामा, क्या हुआ? लगता है मिसेस कपूर ये शादी नहीं होने देंगी। गोली मारो मिसेस कपूर को। मैं आंद्रे से खुद फोन पर बात करूंगी और यूके चली जाऊंगी। Hi Bubbles, it's wonderful hearing your voice. तुमने कहा था पहुंचते ही फोन करोगे, दो हफ्ते हो गए। बस इसीलिए फोन किया था। Bubbles, मेरा पहला क्लास शुरू होने वाला है, मैं निकलने ही वाला था। You just caught me. बाकी सब ठीक है ना? ये जानते हुए कि मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता, तुम पूछ रहे हो कि सब ठीक है? Sweetheart, तुम जानती हो इस वक्त पढ़ाई पे ध्यान देना कितना जरूरी है। Oh, how ridiculous. आंद्रे, मेरे पेट में तुम्हारा नाजायज बच्चा पल रहा है और तुम्हें मेरी फिक्र तक नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालूंगी, समझे? बबल्स, तुम कितने डॉक्टरों से मिली? सिर्फ एक से? क्या तुम किसी अच्छे क्लिनिक में नहीं जा सकती थी? अगर डॉक्टर बनने से पहले मैं बाप बन गया तो सारा कपूर खानदान मुझ पे ऐसे। बाढ़ में जाए तुम्हारा कपूर खानदान, क्या मैं तुम लोगों के लिए बलि चढ़ूंगी? बबल्स, मुझे ब्लैकमेल करने से पहले ये तो सोचा होता कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट से बात कर रही हो। मैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारे बाप के मुंह पर इसी वक्त मार सकती हूँ। बकवास बंद करो, मेरा क्लास कब का शुरू हो गया है? और आज से हमारा रिश्ता खत्म हुआ। गुड बाय मिस्टर आंद्रे कपूर। आंद्रे ने शादी करने से इनकार कर दिया है। क्या? आज से उसका नाम मेरे सामने मत लेना, वो मेरे लिए मर चुका है। लेकिन उस बच्चे को क्या नाम दोगी जो अब तक जिंदा है? हेलो बबल्स, आज तुम लोग बहुत खुश हो गए। मैंने आज 50 लाख रुपए का बिजनेस किया है। जिंदगी भर पैसे ही बनाते रहोगे? आपको कुछ खबर है कि घर में क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? आंद्रे इस बच्चे का बाप है लेकिन जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है और डॉक्टर्स अबॉर्शन के खिलाफ हैं। ऐसी बेहुदा हरकत करते हुए अगर तुम्हें शर्म नहीं आई तो कम से कम अपने बाप से बात करते हुए तो नजर नीचे कर लो। दोष हमारा है, हम ये सोचते थे कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है और यही बात हमने इस लड़की के दिमाग में भी डाल दी। अब वक्त आने पर पता चला कि एक नाम खरीदे नहीं बनता। नाम 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 नाम, मेरे कान पक गए ये सुन सुनकर। आंद्रे कपूर, मैं 1000 आंद्रे कपूर खरीद सकती हूँ। जरूर, लेकिन वो सब जानना चाहेंगे कि शादी की इतनी जल्दी क्या है
हजारों सवाल होंगे। कोई सवाल नहीं होंगे। वो लड़का कौन था जो आपके शोरूम में आया था? मल्होत्रा का बेटा? जिसका भी बेटा हो, मैं उसी से शादी करूंगी। तुम मेरे मैनेजर के बेटे से शादी करोगी? क्यों नहीं, जरूरत पड़ने पर खून देने वाले की नस्ल से क्या मतलब? आप दोनों तो जानते ही हैं कि मेरे बच्चे की रगों में किस खानदान का खून दौड़ रहा है। एंड एज अ बोनस डैडी, फॉर वन हमें किसी को अपना नाम देने का मौका मिल रहा है। लड़का MBA है, गरीब लोग जरूर हैं मगर शरीफ है। रिश्ते तो हजारों हैं लेकिन मैं पैसों के लिए शादी नहीं करना चाहता। लड़का भले ही गरीब हो मगर इज्जतदार और ईमानदार होना चाहिए, जो अपने उसूलों के लिए मेरी दौलत को कुछ नहीं समझे। जानते हो, ये फैसला मैंने उसी दिन कर लिया था जिस दिन तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अंगूठी नहीं। वो तो उसे अनजाने में हुआ था। तुम अपने बेटे को शायद नहीं पहचानते मल्होत्रा, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक जोहरी हूं। एक अनमोल हीरा मेरी नजरों से छुप जाए नामुमकिन। शायद आप ठीक कहते हैं मल्होत्रा। मैं सोचता हूं कि अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। शादी के बाद तुम हमारे पंचगनी वाले बंगले में जाकर रहो, तुम्हें वहां किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। लेकिन उन लोगों को किस चीज की कमी है? दुनिया भर के लड़कों में से उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? अरे तेरी ये तकदीर है पगले, ऐसा नसीब तो करोड़ों में एक का होता है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, किसी के हिस्से में खाक और किसी के हिस्से में आसमान। अकेली क्या सोच रही थी? तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? आपका नाम बबल्स क्यों है? वैसे तो मेरा नाम आशा है। आशा, जो जिंदगी की अंधेरों को उजाला करती है, कितना खूबसूरत नाम है। मुझे बबल्स अच्छा लगता है। वैसे तुम्हारा नाम बहुत पुराना नाम है, मैं तुम्हें हैरी बुलाया करूंगी। जैसा आप चाहें, मगर मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूं? आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं?
क्या इतना ही काफी नहीं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं? हाँ, इतना ही काफी है। आज से पहले तो यह सिर्फ एक सपना था, और सपना सच हो जाए तो किसी को और क्या चाहिए? एक नया चेहरा फिर बदला मैंने, हो गई फिर नई, ये नफा फिर नया चेहरा देगा उधार, धोखा खाए आईना जब मुझसे हंसाना, असली हूँ नकली हूँ कौन हूँ क्या पता, जहाँ पर खबर खबर एक नया चेहरा फिर बदला मैंने, डिपी मत कहो, इसका नाम दीपक है। दीपक क्यों है? क्योंकि बेटे तुम बड़े होकर मेरा नाम रोशन करोगे। इसका नाम डिपी है, दीपक इज टू ओल्ड फैशन। अच्छा बाबा, तुम्हारा नाम डिपी है। हमेशा मम्मी की मर्जी क्यों चलती है? बहुत अच्छा सवाल है बेटे, मम्मी से पूछकर मुझे शाम तक बता देना। शाम को क्यों? क्योंकि बेटे अभी मुझे ऑफिस जाना है। ऑफिस क्यों जाते हो? शट अप डिपी, अबे क्यों नहीं पूछा करते? क्यों क्यों नहीं पूछे? क्योंकि हर क्यों का जवाब नहीं होता। हरी, तुम आज इसे ऑफिस ले जाना, मैं और मामी शॉपिंग पे जा रहे हैं, ये हमें तंग करेगा। लेकिन आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है ऑफिस में। ठीक है, तो मैं इसे आया के पास छोड़कर जाऊंगी। चलो दीपक, तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे, लेकिन ऑफिस में कोई गड़बड़ मत करना। ये पैसे पंचगिनी में पिताजी को भेज देना। वैसे मीटिंग कितने बजे है? सर 11 बजे। ओ, हो सकता है मुझे देर हो जाए, दीपक को कुछ खिला देना। ओके सर। आज मैं बहुत थक गई हूं और अब रमोला की पार्टी में जाना है। मेक मी अ ड्रिंक मामा। और मत पियो बबल्स, हरीश को तुम्हारा शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं। टू बैड फॉर हिम देन, थैंक यू। अरे आ गया मेरा राजा बेटा। रानी जी, आप ही कड़वी दवा क्यों पीती हो? हरीश कुछ पियोगे? आज तो हम शैंपेन की बोतल खोलेंगे। आज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझे कहा कि मेरे रीजनल मैनेजर होने के चांसेस हैं। मुकाबला अब मुझमें और रंगनाथन के बीच है। तुम्हारे मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करके इस रंगनाथ को हटा दे। नहीं, मैं ये पोजीशन अपने मेरिट पे हासिल करना चाहता हूँ, सिफारिश से नहीं। क्या फर्क पड़ता है, नौकरी भी तो तुम्हें डैडी ने दिलवाई थी।
कंपनी की तरफ से मुझे वन बेडरूम फ्लैट भी मिलेगा। क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? बुरा मत मानिए, मैं सारी उम्र घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहता। पहले फ्लैट तो मिल जाए फिर देखा जाएगा। अभी तुम जाकर तैयार हो जाओ, एक पार्टी में जाना है। मैं भी चलूंगा। नो स्वीटहार्ट, आज घर पर ही रहते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। उन्होंने सिर्फ कपल्स को बुलाया है, अगर तुम नहीं जाओगे तो एक आदमी कम हो जाएगा। अच्छा ओके। बहुत ऊंचा मतलब होता है बेटे, लेकिन उससे भी कहीं ऊंचा होता है प्यार का रिश्ता। प्यार का रिश्ता? हाँ, जैसे हमारा और तुम्हारा। हेलो हरीश। ओ हाय, यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही कुछ दोस्तों के साथ यहाँ आई थी। ओ ये मेरा बेटा दीपक है। हेलो दीपक। आप कौन है? मैं आपके डैडी की दोस्त हूँ। मम्मी की क्यों नहीं? Naughty boy. How are things with you? Very well. And you? Well, मैंने होटल्स में नाचना गाना बंद कर दिया है, अब एक बुटीक चलाती हूँ। Doing well. Married? Yes. And no? Doing well, yes. Married, no. क्यों? मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं बिजनेस में बहुत कामयाबी पाऊंगी। आई मीन, तुमने शादी क्यों नहीं की? ये तो ज्योतिष को पूछ के बताना पड़ेगा। By the way, ये मेरा कार्ड है। Drop in sometime and buy your wife a present. And घबराना मत, मैं डिस्काउंट दूंगी। Sure. अच्छा मैं चलती हूँ। Bye. Bye दीपक। Bye. Bye. आंटी प्रेजेंट देती है। आज हम आपको प्रेजेंट देंगे। हैरी, ये तुम्हारे ट्राउजर और ये शर्ट मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, और ये तुम्हारे बेल्ट। कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा। मैं इतने कपड़े पहनकर क्या करूँगा? उफ़ो, याद है तुम्हें 4 साल पहले तुम कैसे बुद्धू जैसे लगते थे, और आजकल इन कपड़ों में। पापा बहुत स्मार्ट लगते हो। पटे। कल से मैं अभी जॉगिंग करने जाऊंगी, घर पे बैठे बैठे मैं मोटी हो रही हूँ। You're just fine. तो मोटी कहाँ? I can feel it. 4 साल हो गए सब कुछ छोड़े हुए। कल से मैं भी जॉगिंग करने जाऊंगी। आप क्यों जॉगिंग करेंगी? ओफो। जॉगिंग क्या है? मेरा सर। जॉगिंग कौन करता है बोलो ना। तुम्हारा बाप।
मिसेस मल्होत्रा, कैसी हैं आप? आपका खानदान कैसा है? उतना ही मजबूत। उम्मीद है आपकी शादीशुदा जिंदगी मजे से गुजर रही होगी। आपकी दुआ से बहुत अच्छी गुजर रही है। वैसे मेरी जिंदगी तो क्या, अगर मैं भी गुजर जाती तो आपको कोई गम ना होता। आप अब भी यही सोचती हैं? जबकि वक्त ने साबित कर दिया कि मेरा अंदाजा सही था। अबॉर्शन कराने के बाद आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, अलबत्ता आपको शादी की जल्दी थी, सो आपने कर ली। क्या 4 साल इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं तो इंतजार कर भी लेती, मगर तुम्हारा बच्चा तो इंतजार नहीं कर सकता था। क्या मतलब? यही कि तुम एक 4 साल के बच्चे के बाप हो। अपने किए पे मुझसे झूठ कहा गया था, और हमारी जिंदगी के वो बेहतरीन साल, क्या पछतावे के दो आंसू से तुम मुझे वो लौटा सकते हो? जो बीत गया उसके लिए मुझे जिंदगी भर की सजा मत दो। ये मेरा है, तुम मेरी हो, फिर रुकावट किस बात की? माफ कीजिएगा, मैं इनका पति हूं। आपकी तारीफ। मेरा नाम ऑन्ड्रे कपूर है। क्या यही काफी है किसी के घर में घुसने के लिए? मेरे ख्याल से अगर हम एक दूसरे के साथ तमीज से पेश आए तो बेहतर होगा। अरे ऑन्ड्रे, तुम? हरीश, ओह माय गॉड, या नहीं? हरीश, ऑन्ड्रे और मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके माँ बाप ये नहीं चाहते थे। मुझे तुमसे शादी इसलिए करनी पड़ी कि उस वक्त मैं मां बनने वाली थी। डिप्पी ऑन्ड्रे का बेटा है। क्या तुम अभी उससे प्यार करती हो? हाँ, अगर तुम बबल्स को डिवोर्स दे दो तो मैं उससे शादी करूंगा। मैं बबल्स के मुंह से सुनना चाहता हूं, हाँ या ना। तुम जब चाहो मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगा। हरीश बेटे, बबल्स तुमको धोखा नहीं देना चाहती थी। कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता जब तक
दूसरा धोखा खाने के लिए तैयार ना हो। पहले दिन ही जब मैं तुम्हें देखने आया था, मैं जानता था कि तुम किसी और से प्यार करती हो। क्या इतना काफी नहीं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? हाँ, इतना ही काफी है। आज से पहले तो ये सिर्फ एक सपना था, और सपना सच हो जाए, लेकिन सपने कभी सच नहीं होते। मेरे लिए तुम हमेशा एक सपना ही थी। मैं धोखे से तुम्हें हकीकत समझ बैठा। बहुत पहले से जानता था कि दीपक मेरा खून नहीं है, लेकिन खून के रिश्ते से प्यार का रिश्ता कितना ऊंचा होता है ये तुम नहीं समझोगे मिस्टर आंद्रे कपूर। मैं समझता हूं ना डैडी। हाँ बेटे, दरअसल मैं ये बताने आया था कि मुझे रीजनल मैनेजर की नौकरी मिल गई और घर भी। मेरा सामान वहीं भिजवा देना। मिठाई के अंधेरों को उजाला करती है। कितना खूबसूरत नाम है। मैं होटल में बैठे बैठे तंग आ गया। इतनी देर क्यों कर दी? 4 साल के रिश्ते को तोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है।
तेरी मांगी थी, दर्द मांगा था रुसवाई तेरी मांगी थी, महफिले देकर तन्हाई तेरी मांगी थी, दर्द मांगा था रुसवाई तेरी मांगी थी। तुमने शादी भी कर ली? जी हाँ, हमने शोर शराबा मुनासिब नहीं समझा। बहुत अच्छा किया बेटे, हम भी अपने पोते को देखने के लिए तरस रहे हैं। दीपक मेरी औलाद है और मैं उससे दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, अब मैं किसी किस्म की दखल अंदाजी पसंद नहीं करूंगा। बेटा हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं, हो सकता है उस वक्त हमें गलतफहमी हो गई हो। बबल्स और डिपी गाड़ी में बैठे हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूं। अब बुरा भला कहा तो लड़के को खो बैठेंगे, गुस्सा पी जाऊं। प्यारा बच्चा है, बिल्कुल आंद्रे पे गया है। बेटे ये तुम्हारे दादी जी हैं और वो दादाजी। क्यों है? यहाँ कोई आया है? बच्चे को माँ की जरूरत होती है, मैं आया वाया को नहीं मानती। मम्मी ठीक कहती है, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। थोड़ी देर रहने दो। जाग जाएगा। लेकिन इसे यहीं सोने दो।
आंखें बंद करके क्यों बैठे हो बेटा? डैडी कहते हैं अगर कोई बहुत याद आए तो आंखें बंद करने से वो सामने आ जाता है। वो तुम्हारा डैडी नहीं बेटे, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। चलो अब हम लोग ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे। बबल्स बबल्स ओ सोने भी नहीं देते। डरो मत पापा, ये तो मम्मी है। अरे हरी आप, फ्लाइट का टाइम हो गया है। मैं भी चलूंगा। ओके बेटा, आप भी चलेंगे। आंद्रे, डिप्पी को मम्मी संभाल लेगी, हम उसे अपने हनीमून पर कैसे ले जा सकते हैं? अब भूल से जा रहे हैं। आई लव यू, बट डीपी के बगैर मैं मून पे कैसे जा सकता हूँ? स्टॉप इट आंद्रे। गुस्से से आंखें बंद किए बैठे थे। सॉरी अमले। मैं दीपक से हमेशा कहता था अगर कोई बहुत याद आए तो आंखें बंद करने पर वो सामने आ जाता है। किसे याद कर रहे थे? मुझे नहीं, बबल्स को। बबल्स ने दूसरी शादी कर ली। हमारा डिवोर्स हो चुका है 2 महीने पहले। मुना, जब से मैंने उसे पहली बार देखा था मैं और कुछ ना सोच पाया हूं ना देख पाया हूं। मैं जानता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसका मेरी नजरों के सामने रहना ही मेरे लिए काफी था। मैंने जिंदगी से और कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा मोना। वो मेरी क्यों नहीं हो सकी? वो मेरी क्यों नहीं हो सकी मोना? क्यों नहीं? क्यों नहीं? हम कहीं शेल्फ लगा के ये ट्रॉफी सजा सकते हैं। हाँ, मेरे डिस्को डांसिंग के ट्रॉफीज। वो दिन बिल्कुल भूल गए। सब कुछ भूलना चाहता हूं पर कुछ भी नहीं भूला। ना उस रोज डांस कंपटीशन के लिए मुझे कॉस्ट्यूम की जरूरत होती, ना मैं उस शोरूम में जाता और ना ही मेरी शादी बबल्स के साथ होती। कभी कभी
दीपक की इतनी याद आती है कि मैं रो पड़ता हूं। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, अगर तुम्हारा अपना बेटा हो जाए। बबल्स की जगह और कोई नहीं ले सकता। हाय, आई एम रेडी, लेट्स गो। इतना कीमती हार पहनने की क्या जरूरत थी? सबको पता है तुम्हारे पिताजी जौहरी हैं और तुम्हें जेवरों की कोई कमी नहीं, लेकिन जहां हम जा रहे हैं वहां लोग अपने आप को शोरूम बनाकर नहीं आते। मेरी मर्जी, मैं जो भी पहनूं। मम्मी ठीक कहती हैं, कुछ और पहन लो। जिनके पास इतने कीमती जेवर नहीं है वो तो जलेंगे ही। चलो देवदास, खाना तैयार है। थोड़ा कम क्यों नहीं पीते हरीश? क्यों अपने आप को बर्बाद करने पे तुले हो, वो भी एक रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी के लिए। पुना, बबल्स के खिलाफ कुछ मत कहो। आई एम सॉरी हरीश, लेकिन मुझसे तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जाता। किसी के लिए कोई जीना तो नहीं छोड़ देता? मुना, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तो फिर मुझे रहने दो। मुना, तुम मुझे कहती हो कि कोई किसी के लिए जीना नहीं छोड़ देता, तो फिर मेरी शादी के बाद तुमने अपना घर क्यों नहीं बसाया? विक्रम तुमसे प्यार करता था। घर बसाना या ना बसाना, ये तो तकदीर की बात है। तुम्हारी शादी के बाद विक्रम मुझसे रोज मिलने लगा। 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। मुझे लगा कि शायद यही जिंदगी है। तुम प्यार करो और वही तुम्हें मिल जाए, ये जरूरी तो नहीं। और कोई तुम्हें चीज जहां से चाहता हो, क्या यही काफी नहीं है? विक्रम और मैं एक साथ यहां रहने लगे। मैंने उसके प्यार को हर तरह से लौटाया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत सिर्फ किसी को हासिल करने की होती है, और वो जिंदगी भर यही करना चाहते हैं। एक नए प्यार की शुरुआत। मोना, मोना, कई दिनों से मैं ये महसूस कर रहा हूं कि तुम कुछ बदल गई हो। ना तुम बदले हो ना मैं बदली हूं विक्रम, हमारा नजरिया बदल गया है। तुम मुझे पहले की तरह देखते नहीं, और तुम क्या हो ये मैं पहले ना देख पाई। तुम हमेशा अपने शब्दों के खेल से
अपना दोष मुझ पर लादने की कोशिश करती हो, नहीं? जबकि सच ये है कि तुम मुझसे बोर हो चुकी हो। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ? चला जाऊंगा अगर तुम यही चाहती हो तो। हाँ मैं चाहती हूँ, फिक्र मत करो, दोष मेरा है। बिल्कुल, पर मोना इस सब के बावजूद भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा। मोना तुम सो रहे थे और मुझे अंधेरे में जागना पसंद नहीं। पता नहीं तुम्हें रात को जागने का क्या शौक है। 3 महीने पहले तुम्हें भी था। बबल्स, मैं आखिरी बार कहता हूं, Don't taunt me. मैं भी तुम्हें कहती हूं, Don't threaten me. Yes, come in please. Inspector Malvankar, Income Tax Department. Yes, what can I do for you? मेहरबानी करके यहां की किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। दिस इज एन इनकम टैक्स रेट। यहां सिर्फ अमाउंट्स लिखे हैं, कस्टमर्स के नाम कोड में दिए हैं। अगर आप मुझे लोगों के नाम और डिटेल्स देंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा होगा। मैं अपने लॉयर से बात करना चाहूंगा। शौक से कीजिए। मेरी राय में आप ये नाम बता दीजिए। नेवर, हरगिज नहीं। मैं अपने कस्टमर्स के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। तुम चाहते हो बिलिमोरिया कि सबके घरों पर रेट पड़े? इस शहर के बड़े बड़े लोग मुझसे लाखों रुपए का सोना खरीदते हैं। मैंने आज उनकी पोल खोल दी तो कल से मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। फिर तो आपको कड़ी से कड़ी सजा होगी और जो बदनामी होगी वो अलग। एक वकील की हैसियत से मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस वक्त अपने बारे में सोचिए। आई एम ग्लैड यू आर बीइंग सेंसिबल मिस्टर सतवाल। ओ मम्मी, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो अच्छा हुआ कि डैडी सबके नाम बताकर खुद बच निकले। आखिर उन लोगों का भी तो कसूर है जो ज्वेलरी 10 लाख की लेते हैं और बिल में सिर्फ 2 लाख लिखवाते हैं। आई होप दे ऑल रॉट इन जेल। मैं तुमको कैसे बताऊं, उन लोगों में मिस्टर एंड मिसेस कपूर का भी नाम है। शायद इस वक्त तुम्हारे ससुराल में रेड हो रही है। हो सकता है मिस्टर कपूर को जेल हो जाए।
कपूर खानदान और दो नंबर का पैसा? नहीं, ये नहीं हो सकता। मिसेस कपूर तो इतना जेवर भी नहीं पहनती। वो जेवर डॉक्टर कपूर दूसरी डॉक्टरों की बीवियों के लिए खरीदते हैं, जिसे वो अपने पेशेंट्स उनके पास सर्जरी के लिए भेजते हैं। ओह गॉड, मैं इस मॉडर्न थ्योरी को नहीं मानती कि खानदान वानदान को अहमियत नहीं देनी चाहिए। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं खुद हरिजन अपलिफ्टिंग सोसाइटी के मेंबर हूं, बट आई थिंक पर्सन्स बैकग्राउंड डज हैव अ बेयरिंग ऑन हिज बिहेवियर। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कुछ ही दिन पहले एक पार्टी में मेरा इंट्रोडक्शन एक नौजवान से हुआ। बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बड़ा स्मार्ट, अंग्रेजी में बात कर रहा था। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई। थोड़ी देर में मैंने क्या रियलाइज किया, मेरा बटुआ गायब। मेम साहब, कपूर साहब के लिए कोई आदमी आया है। कह दो कि कॉन्फ्रेंस में गए हैं। मिसेस कपूर जी, आई एम इंस्पेक्टर मालवंकर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपकी सर्जरी पर रेड हो चुका है। हमारे पास आपके पति के खिलाफ ठोस सबूत हैं। ये सर्च वारंट। आप मिस्टर कपूर से फौरन कांटेक्ट कीजिए। मिस्टर कपूर अपने रिटर्न्स फाइल करने में कभी भूल नहीं करते। लेकिन सतवाल ज्वेलर से वो बहुत बड़ी रकम के जेवर ब्लैक में खरीदते रहे हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। सभी यही कहते हैं। तलाशी लो। ओह माय गॉड सुलोचना, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी। आप मेरी बात तो सुनिए। छी छी छी। मिस्टर कपूर का कॉन्टेक्ट नंबर 697432। मैं अपने बेटे से बात करना चाहूंगी। किसी को भी बुलाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप जैसे लोग जितना ऊंचा उड़ते हैं उतना ही नीचे गिरते हैं। आप यहां क्या लेने आई हो? तुम्हारे डैडी को जेल भिजवा के इसके कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी? अब हमारी तबाही का मजा लेने आई हो? मैं पहले से ही कहती थी इन लोगों की सोहबत मत करो। देख लिया नतीजा? छी छी छी, हमारे घर के नौकर भी अपनी जबान से ऐसे शब्द न बोले, और आप अपने आप को खानदानी कहती हैं? इसमें मेरा क्या कसूर था? उल्टा मैं तो तुम्हें वॉर्न करने आई थी। तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का तो कसूर था। क्या वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था? मैं उस चूहे की हड्डी पसली कर दूंगा। रुक जा, अंद्रे। हेलो हेलो मम्मी, अंद्रे वहां आ रहा है, आप दरवाजा मत खोलिएगा। कुछ भी हो जाए, अंद्रे को डैडी से मत मिलने दीजिएगा। हाँ डैडी हार्ट के पेशेंट हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। मोहन सिंह, आजाद। उस हरामजादे को इस घर में नहीं घुसने देना। अच्छा साहब। का देखो क्या हाल बना रखा है मेरे बेटे का। अरे कोई है? मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाके गर्म पानी और डेटॉल लेके आओ, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं,
वो सिक्योरिटी गार्ड्स थे। ऑंड्रे, फॉर गॉड सेक, ये सब क्या हो रहा है? ये जाकर अपने दो नंबरी बाप से पूछो। मेरा बाप ये, मेरा बाप वो, कान पक गए मेरी ये गालियां सुन सुनकर। मगर तुम क्या हो, तुम्हारा बाप क्या है? अगर वो आज जेल में सड़ रहा है तो मेरे पिताजी के गुनाहों की वजह से नहीं, अपने जुर्म के लिए, और वो भी एक ऐसा जुर्म जिसका राज सुन लेने के बाद मुझे तुम लोगों से घिर आती है। कौन सा राज? जो जेवर वो हमारे शोरूम से खरीदते हैं वो आपके लिए नहीं, बल्कि रिश्वत के तौर पर दूसरे डॉक्टर्स की बीवियों को दिए जाते हैं, ताकि वो बेईमान डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को तुम्हारे बाप के पास भेजे। और डॉक्टर कपूर, जिन्हें अपनी काबिलियत पर नाज है, वो तंदुरुस्त लोगों को भी कसाई की तरह काटते हैं। Shut up, you bastard! यही तमीज से क्या है अपने घर से? आप कौन होती है मुझे तमीज सिखाने वाली? आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म हुआ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैंने देख लिया है आपके खानदानी नकाब के पीछे छुपा हुआ आपका असली चेहरा। चलो डीपी, चले। Get out! इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं समझूंगा कि बलात् टल गए। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी औलाद के लिए की थी। दीपक तुम्हें नहीं मिलेगा। जाओ अपने उस पटीचर के पास जो तुम्हारे इशारों पे नाचता है। मुझे हरीश को कभी नहीं छोड़ना चाहिए था। उसकी जूती भी तुम्हारे दिल से ज्यादा साफ है। दीपी, दीपी, दीपी बेटा, छोड़ दो मुझे। दीपी बेटा, बाहर निकलो। दीपी छोड़ो, तुम दीपी सुनो, छोड़ दो मुझे। ठीक है, रख लीजिए उसे। वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई निशानी नहीं चाहिए, मगर आप ये कैसे भूल सकेंगी कि दिप्पी में मेरे और मेरे खानदान का भी खून मिला हुआ है। अच्छे बेटे जिद नहीं करते, आजा मेरे साथ। हे, ये चीनी नहीं नमक है। हो शिट, कल मैंने खिचड़ी में नमक के बजाय सर्फ डाल दिया और पूरा दिन नमक में कपड़े धोता रहा और सोचता रहा कि महल क्यों नहीं निकल रहा। दरअसल तुम्हें एक बीवी की जरूरत है। खैर, आज जो तुम्हारी मीटिंग थी उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट देख के क्या कहा? आज हाफ डे था, सोमवार को बताएगा। तुम बताओ, उस अमेरिकन कंपनी का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला तुम्हें? वो भी सोमवार को बताएंगे। यही तो प्रॉब्लम है इस देश की। हुँ? लोग इतवार के आने की खुशी में शनिचर से ही काम बंद कर देते हैं। I'll just see and come. Do you mind? No. Bubbles? हरीश, आंद्रे खुदगर्ज और खोखला इंसान निकला। मुझे उसके लिए अपना घर कभी नहीं तोड़ना चाहिए था। ये तुम क्या कह रही हो? हरीश, मैं तुम्हारे पास लौट आई हूं। बबल्स, बबल्स प्लीज, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं जानती थी कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मैं जानती थी मैं तुम्हें बहुत गलत समझी, लेकिन अब मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगी कि तुम सारे दुख भूल जाओगे।
चाहती थी तुमसे माफ कर। मैं बहुत खुश होगी तुम्हें, सारे दुख भूल जाओ। हरीश, फ्लैट है जो तुम्हें कंपनी से मिला। हाँ। हैरी, ये फ्लैट तो बहुत छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम डैडी से कहकर ये पास वाला फ्लैट देंगे और फिर ये दीवार तोड़कर हम दोनों को एक फ्लैट कर देंगे। हा? तुमने वो केन वाला फर्नीचर क्यों खरीदा? केन तो सिर्फ गार्डन्स में ही अच्छा लगता है। हम काफ फर्नीचर खरीदेंगे। ये ट्रॉफीज यहां क्यों रखी है? इसे फेंक देना। हाँ, अच्छा हुआ डिप्पी मेरे साथ नहीं आया। हम तीनों एक रात भी यहां नहीं रह सकते थे, है ना दीपक? को तुमने छोड़ दिया? हरी, मैं क्या करती? ऑन्द्रे उसे नहीं आने देना चाहता था। लेकिन वैसे भी वो तुम्हारा बेटा तो नहीं था। अब हमारी अपनी औलाद होगी। हरीश, मैं सोचता था कि तुम सिर्फ नादान और नासमझ हो, दिल की बुरी नहीं हो। जानती हो मैंने कितनी रातें इंतजार की सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन ये दरवाजा यूं ही खुलेगा और तुम वापस चली आओगी, बिल्कुल बदली हुई, एक नई बबल्स बनकर। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली और नहीं बदलोगी। कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मांगने से नहीं देने से मिलता है, और तुमने देना सीखा नहीं। तुम्हें कोई और बनाएगा। करूं
मैं क्या करूं?